गरीब का वुडन व्हीकल्स। किस्मतपुर नाम के गांव के गरीब कॉलोनी में बलराम नाम का लड़का अपने माँ बाप के गुजर जाने के कारण अपने चाचा पटवारी और चाची सुधा के पास पल रहा था। एक दिन बलराम अपने घर के बाहर लकड़ी के खिलौने बना रहा था, तभी पटवारी की बेटी राधा वहाँ आई और, भैया तुम खूब बढ़िया लकड़ियों के खिलौने बनाते हो ना, मेरे लिए भी एक खिलौना बना कर दो ना। अरे मेरी प्यारी बहना, ये खिलौने मैं तुम्हारे लिए ही बना रहा हूँ। बहुत जल्द खिलौने का त्योहार आ रहा है ना, सब तुम्हारे खिलौने देखकर हैरान रह जाएंगे। मैं तुम्हें सरप्राइज देने चाहता था पर तुमने देख लिया। कि तभी सुधा वहाँ पहुँची। अरे कम्बा, काम पर जाने को कहा तो तुम यहाँ पर बैठकर फालतू की बातें कर रहे हो। अरे तुम तो निकम्मा हो ही, मेरी बेटी को भी पढ़ने नहीं देते, इससे भी निकम्मा बना रहे हो। माँ, एक तो तुम भैया को स्कूल जाने नहीं देती, ऊपर से उसे ही डांट रही हो। अच्छा, ये सब इस कमीनी की हरकत है। ये मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर रहा है, अब ये इस घर पे नहीं रह सकता। ए सुन, तू तुरंत ये घर छोड़कर चला जा, अपनी शक्ल मुझे ना दिखाना। ऐसा ना कहो चाची, मैं रोज काम पर जा रहा हूँ ना, बस बहन को ये खिलौने अच्छे लगते हैं तो बना कर दे रहा हूँ। प्लीज चाची, मुझे घर से बाहर ना निकालो। अरे बहुत हो चुका, तुम्हें बर्दाश्त कर लिया, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम तुरंत ये घर छोड़कर चले जाओ। कहकर उसे घर से बाहर धक्का मारकर निकाल दिया। एक पेड़ के नीचे बैठकर बलराम रो रहा था कि तभी उसका दोस्त अक्षय उसके पास आया। तब बलराम ने अक्षय को जो कुछ हुआ सब बताया। अरे तुम्हारी चाची को छोड़ना नहीं चाहिए, तुझे तेरे ही घर से बाहर निकलती है, चलो पुलिस कंप्लेन देते हैं। अरे रहने दो यार, वैसे भी वो झोपड़ी में रहते हैं, इसके लिए पुलिस कंप्लेन दे तो चाचा और राधा बहुत दुखी होंगे। पहले मुझे कोई काम ढूंढना पड़ेगा, अपने पिताजी से कहकर मेरे लिए एक छोटी सी जगह दिला देना यार। अरे तुझे जगह ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ मेरे घर में रहो और घर के बाहर ही जो काम करना है करो, मेरे माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अगले दिन से बलराम उनके घर के बाहर ही खिलौने बनाता था और अक्षय उन खिलौनों को बेचता था। वो खिलौने इतने अच्छे थे, गांव के सारे माँ बाप आकर अपने बच्चों के लिए वो खिलौने खरीद कर ले जाते। इस तरह बलराम खूब पैसे कमाने लगा। यूं कुछ महीने बीत गए। एक दिन वैभव नाम का एक व्यापारी अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचा। वैभव बलराम से, बेटे तुम्हारे खिलौने बहुत बढ़िया हैं, इसे बनाने वाले कलाकार को बुलाओ, उससे बात करनी है। तभी साथ खड़ा अक्षय, सर ये सब वुडन व्हीकल्स बलराम ने ही बनाए हैं, यही वुडन व्हीकल्स आर्टिस्ट है। क्या तुम सच कह रहे हो, इतनी छोटी सी उम्र में इतना हुनर, वेरी गुड बलराम, वेरी गुड। देखो मैं तुम्हें एक बढ़िया ऑफर देता हूँ, तुम्हारे खिलौने सिर्फ इस गांव में नहीं देश भर में बिके, ऐसा एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तुम्हें ही इसे संभालना होगा, मैं तुझे 50% का शेयर देता हूँ, क्यों क्या कहते हो? जरूर करेंगे सर, मैं भी चाहता हूँ कि खिलौने के द्वारा हमारी संस्कृति की भी प्रचार हो, मैं आपसे जुड़ने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड बलराम, इन्वेस्टर्स को हमारे वुडन व्हीकल्स का डेमो देना होगा, इसीलिए हर किस्म के दो दो खिलौने तैयार करो, मैं 15 दिनों में लौट कर तुमसे मिलूंगा, ये लो एडवांस। कहकर बलराम को पैसे देकर चला गया। अरे यार, अब अगर मेरे चाचा मेरे साथ होते तो अच्छा था, इतने बड़े प्रोजेक्ट में वो हमारे साथ होते तो अच्छा था ना, चाचा जी से मिलकर उन्हें ये बात बताओ। तब दोनों मिलकर पटवारी के घर गए। तब पटवारी से साहूकार दुष्यंत, ए पटवारी, तुम्हें कितने बार कहा है, तुरंत इस घर को खाली करो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरे घर पर नौकर रखूंगा। देखिए साहूकार जी, ये अन्याय है, मेरे पत्नी ने 10,000 रुपए लिए थे और उसका ब्याज आप 1,00,000 रुपए मांगते हैं। मैं इतने ब्याज पर ही देता हूँ, ये जानकर ही तो तुमने उधार लिया था मुझसे, लेकिन देते वक्त आनाकानी करते हो। हे दुष्यंत, घर को गिरवी रखने वाले ये कौन होते हैं और उससे लेने वाले तुम कौन होते हो, ये घर मेरी माँ का है, मैं इस घर का मालिक हूँ, ज्यादा बकवास की तो तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे 10,000 रुपए दे देता हूँ, लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये अन्याय है, धोखा है, ए बच्चे तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम मेरे बारे में नहीं जानते।
अरे तुम हमारे बलराम को समझते क्या हो? बिजनेसमैन वैभव साहब का दोस्त है, अगर इसने उन्हें एक फोन किया तो तुम्हें जेल भेज देंगे। चुपचाप पैसे लेकर दफा हो जाओ यहाँ से, या फिर हम फोन करें साहब को। तब दुष्यंत डर के मारे पैसे लेकर वहाँ से चला गया। तब बलराम ने वैभव के ऑफर के बारे में पटवारी को बताया। ये सुनकर पटवारी, चाची और राधा बहुत खुश हुए। अगले दिन से बलराम, पटवारी और अक्षय वुडन व्हीकल्स बनाकर वैभव को भेजने लगे। गरीब बच्चे का खिलौना। मंडवा नाम के गांव में वीरू भाई नाम का एक माफिया डॉन रहता था। वो बड़े बड़े लोगों को डराकर धमकाकर पैसे लेता था और हार्बर में स्मगलिंग करता रहता था। वीरू भाई का बेटा था, नाम था पाचू। उसके पास कई किस्म के खिलौने थे। वीरू भी अपने बेटे को जब तब खिलौने खरीद कर देता रहता था। क्योंकि वीरू भाई के काफी सारे दुश्मन थे, वो सिक्योरिटी के साथ घिरा रहता था। पाचू के साथ भी दो बॉडीगार्ड हमेशा उसके साथ ही रहते थे। स्कूल में, क्लासरूम में भी उसके पास ही खड़े रहते थे, इसीलिए कोई भी बच्चा उसके साथ खेलने से डरता था। पर टिंकू नाम का गरीब लड़का पाचू के साथ खेलता था। टिंकू के पिताजी एक कारपेंटर का काम करते थे। पाचू टिंकू को जब तक अपने खिलौने देता रहता था। टिंकू उन खिलौनों को देखकर अपने घर में उसी की तरह लकड़ी के खिलौने बनाता था। बाद में पाचू को उसके खिलौने लौटा देता था। एक दिन टिंकू, ये लो पाचू, तुम्हारा जीप वाला खिलौना। तुम्हारे खिलौने की तरह ही मैंने भी एक लकड़ी का खिलौना बनाया है, बहुत शुक्रिया दोस्त, कह के उसका खिलौना उसे लौटा दिया। अरे यार, तुम तो बहुत टैलेंटेड है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पिताजी लकड़ी का काम करते है, पर तुम तो उनसे भी बहुत टैलेंटेड हो। पाचू के दिए हुए खिलौने को देख कर कई किस्म के खिलौने बनाता था टिंकू। एक दिन वीरू भाई अपने घर पर अपने लोगों के साथ बैठा था, तभी एक पुलिस की जीप उनके घर के सामने आकर रुकी। ये देखकर वीरू भाई तुरंत अपने घर के अंदर भागा। घर के अंदर अलमारी में से हीरों की पोटली उठाकर एक कार के खिलौने के अंदर छिपा दिया और उस कार को बाकी खिलौनों के साथ मिला दिया। घर आकर पुलिस ने सारा घर छान मारा। बाद में वीरू भाई को लेकर थाने गए। पुलिस के थाने में उसे काफी देर तक पूछताछ की। ए वीरू, मेरे पास खबर है कि तुम हीरों का स्मगलिंग करते हो। किसी ना किसी दिन तुम्हारी चोरी पकड़ी जरूर जाएगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, अब तुम जा सकते हो। वीरू घर आकर देखा तो उसे खिलौने नजर नहीं आए। वहीं बैठे पाचू से, बेटा पाचू, यहाँ जो खिलौने थे उनका क्या हुआ बेटा? वो मैंने अपने दोस्त टिंकू को दिया है डैडी। वो मेरे खिलौने देखते और वो बहू वही खिलौने वो लकड़ी का बनाते डैडी, कल वो लौटा देगा पापा, कहकर चला गया। तब वीरू भाई अपने आदमी से, सुनो, उस कार के खिलौने में मैंने हीरे छिपाए थे। टिंकू के घर जाओ और सारे खिलौने लेके आओ, जरूरत पड़े तो उसके घर का नाश कर देना, जाओ जल्दी, कहकर हुक्म दिया। यूं सारे गुंडे टिंकू के घर गए। एक गुंडा टिंकू के पिताजी से, ए कहाँ है तुम्हारा बेटा? चुपचाप तुम्हारे घर में जो खिलौने हैं उन्हें ले आओ। भैया, वो अभी तक घर नहीं आया, कहीं खेल रहा होगा, घर पर तो कोई खिलौना है ही नहीं। ए, प्यार से कहा तो समझ में नहीं आता, जाओ इसके घर की तलाशी लो। यूं गुंडों ने घर का पूरा सत्यानाश किया। फिर एक गुंडा बाहर आया और, दादा पूरा घर छान मारा, एक भी खिलौना नहीं है। भैया, आप लोग ढूंढ क्या रहे हैं, मुझे भी तो बताइए। टिंकू के लौटते ही पाचू बाबा का खिलौना मैं खुद लेके आऊंगा, मेहरबानी करके यहाँ बखेड़ा ना खड़ा कीजिए। वो कहाँ आएगा, तूने उसे गांव के बाहर भेज दिया होगा। अरे सुनो, जेसीबी ले आओ और पूरा घर का सत्यानाश कर दो, देखो कहीं दीवारों के अंदर तो नहीं छिपा है इसने। यूं वो एक जेसीबी लेके आए और सारा घर का सत्यानाश किया। तभी टिंकू कुछ खिलौनों के साथ वहाँ पहुँचा। वो गुंडे उन खिलौनों को छीन कर, ए वो कार वाला खिलौना कहाँ है, चुपचाप बता दो, नहीं तो हमारे हाथों मारे जाओगे। कार का खिलौना मुझे पाचू ने नहीं दिया, मैंने नहीं लिया। गुंडे ने टिंकू को झुकाकर उसके पीठ पर मारा और, बताओ बताओ वो कार का खिलौना कहाँ है, जल्दी बताओ। मैंने नहीं जानता अंकल, मैं नहीं जानता, मैंने खिलौना नहीं लिया अंकल जी, मेरा विश्वास कीजिए, कहकर रोने लगा। तभी वीरू भाई और पाचू वहाँ पहुँचे।
ए रुको रुको, उसे कुछ ना करो। तब गुंडों ने उसे मारना छोड़ दिया। टिंकू मुझे माफ करो, मेरे पिताजी ने इस कार के खिलौने में हीरा छुपा के रखा थे, ये सोचकर वो खिलौना तुम लेकर आए, ये सब किया है इन लोगों ने, रियली सॉरी टिंकू। बेटा टिंकू, मैंने तुमसे कहा था ना कि बड़े लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ना उनकी खुशी बर्दाश्त कर सकते हैं हम, ना ही उनका गुस्सा। अब तुमने देखा कि क्या हुआ। वीरू जी से डरकर पाचो के साथ कोई नहीं खेलता था, पाचो को देखकर मुझे बहुत दुख होता था, इसीलिए मैंने उससे दोस्त किया है पापा, मैंने ये नहीं देखा कि वो अमीर है या गरीब। ये बात सुनकर वीरू शर्मिंदा हुआ। वीरू टिंकू से, बेटा टिंकू तुमने मेरी आंखें खोल दी, इतने दिन पैसों के लालच में मैंने बहुत गलत काम किया, मेरी वजह से मेरा बेटा आराम से घूम फिर भी नहीं सकता था, ना ही वो चार लोगों से घुल मिल सकता था, मेरे गलत कामों की वजह से मेरे बेटे को तकलीफ पहुंची है, नहीं मुझे और ये पाप की कमाई नहीं चाहिए, जो कुछ कमाया वो मैं गरीबों में बांट दूंगा और कोई काम करके आराम से आजादी के साथ और गर्व के साथ जीना चाहता हूँ। यूं अपनी कमाई गरीबों में बांट दिया और फिर खेती करते हुए जीने लगा। पाचू और टिंकू की दोस्ती सदा कायम रही। मिनी ट्रैक्टर मुर्गी वाला। एक गांव में मानसिंह नाम का एक मुर्गी का व्यापारी रहता था। वो अपने मुर्गी फार्म से मुर्गियों को ऑटो में ले जाकर गांव में बेचता था। वो बहुत कंजूस था। एक दिन ऑटो ट्रॉली ड्राइवर मानसिंह से, साहब कल से आपको मुझे पैसे देने होंगे, मैं अब आपके मुर्गियों को मार्केट मुफ्त में नहीं ले जा सकता, पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया है, कल से आप मुझे ट्रिप का 500 रुपए देंगे तभी आऊंगा, वरना मैं नहीं आने वाला, मेरा जो बकाया है अब तक तुमने वो नहीं चुकाया है, ये बात तुम भूल रहे हो। अरे साहब गलती हो गई, जो 5 साल पहले मैंने आपसे 20,000 रुपए लिए थे, उस ब्याज पर ब्याज डालकर पिछले 5 सालों से आप मुझसे मुफ्त में काम करा रहे हैं, मेरा भी एक परिवार है, मैं उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं करा पाता, आपको जो करना हो कीजिए, जरूरत पड़े तो पुलिस स्टेशन जाकर मेरे खिलाफ केस दर्ज करिए, मुझे जेल में जाकर बैठना मंजूर है पर आपके पास मैं काम नहीं करूंगा। पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही मानसिंह अपने मन में, अगर ये पुलिस स्टेशन चला गया तो मुझे भी इसके साथ साथ जेल में बैठना होगा। लेकिन बाहर, हाँ ठीक है जाओ, ऐसा बकवास करता है मानो इसने बहुत काम किया हो, अरे तुम नहीं आए तो क्या हुआ, दुनिया में और बहुत सारे ऑटो वाले हैं, अरे ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी जो तुम मेरे लिए काम कर रहे थे, अरे मेरी नौकरी छोड़कर तुम पछताओगे देखते जाओ, ठीक है जाओ जाओ, कहकर अपना ऑटो लेकर वहाँ से चला गया। मन ही मन मानसिक बहुत परेशान हुआ, इतने दिन इसे उल्लू बनाकर इससे मैंने बहुत काम लिया, अब हर रोज मुझे 500 रुपए खर्च करने होंगे, बाप रे इतना पैसा, यानी महीने के 15,000 रुपए, कुछ ना कुछ करना होगा, कोई उपाय सोचना होगा। यूं वो परेशान होकर घर पहुंचा, तभी उसने देखा कि उसके पड़ोसी का लड़का दीपू अपने मिनी ट्रैक्टर के साथ खेल रहा था। ये देखकर मानसिंह के दिमाग की बत्ती जली। आधी रात को जब सब सो रहे थे तो मानसिंह उसके घर गया और दीपू के मिनी ट्रैक्टर को चुरा कर चला गया। वो उस ट्रैक्टर को चलाते हुए अपने मुर्गी फार्म पे गया, वहां उसे छिपाकर घर ऐसे लौटा मानो वो कुछ जानता ही नहीं। अगले दिन सवेरे अपने ट्रैक्टर को गायब देखकर दीपू रोने लगा। उसने अपने मिनी ट्रैक्टर को आसपास के घरों में ढूंढा। वो मानसिंह के घर भी पहुंचा। अंकल जी, कल रात से मेरा मिनी ट्रैक्टर गायब है, क्या आपने उसे कहीं देखा? अब मुझे क्या पता, हमारे पड़ोस में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चोर हैं। दोबारा हमारे घर आकर यूं बेकार के सवाल ना करना। दीपू वहाँ से रोते रोते चला गया।
मान सिंह मन ही मन बहुत खुश हुआ। अगले दिन मान सिंह ने उस मिनी ट्रैक्टर के साथ एक ट्रेलर जोड़ दिया। उसने अपनी मुर्गियों को उस ट्रेलर के दो कंपार्टमेंट में भरा और उन्हें लेकर वहां से निकला। वो यूं मार्केट की ओर जाने लगा। वो अपने मन में, अब ऑटो वाले ने मना किया तो क्या हुआ, मैं अपने मुर्गियों को मार्केट ले नहीं जा सकता, अरे मेरे दिमाग का कोई जवाब नहीं है, यूं सोचने लगा। यूं कई दिन बीत गए। दीपू अपने मन में, मैंने कई लोगों से कहा कि मेरा मिनी ट्रैक्टर गायब है, सबने यही कहा कि हम नहीं जानते कि कहाँ है, लेकिन ये मानसिंह अंकल ने मुझे बहुत कुछ कहा और डांटा भी, ऊपर से आजकल वो मुझे ऐसे घूरते हैं मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पता करना होगा कि आखिर बात क्या है। अगले दिन सवेरे जब मानसिंह अपने घर से बाहर निकला तो दीपू भी उसका चुपचाप पीछा करने लगा। उसने मानसिंह को मिनी ट्रैक्टर में मुर्गियों को ले जाते हुए देखा। दीपू अपने मन में, एक तो इन्होंने मेरा ट्रैक्टर चुराया, ऊपर से मुझे खरी खोटी सुनाई, इस अंकल को जरूर सबक सिखाना होगा। अगले दिन सवेरे मानसिंह मुर्गियों को ट्रैक्टर में भरकर ड्राइविंग सीट में जा बैठा। दीपू अपने पास के रिमोट कंट्रोल से उस ट्रैक्टर को कंट्रोल करने लगा। जैसे ही मानसिंह ट्रैक्टर में बैठा तो ट्रैक्टर तेजी से आगे जाने लगा। मानसिंह मारे डर के, बाप रे ये क्या, मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया था, ट्रैक्टर आगे कैसे बढ़ने लगी। अचानक ट्रैक्टर पीछे जाने लगी। मारे डर के मानसिंह, बाप रे लगता है इस ट्रैक्टर को भूत चढ़ गया, हाय रे मुझे कोई बचाओ, अरे बचाओ भाई बचाओ, कहकर जोर से चिल्लाने लगा। दीपू अपने मन में, एक तो मेरा ट्रैक्टर चुराया और मुझे धोखा दिया, ऊपर से मुझे ही गाली दे रहे हैं, हाँ अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। यूँ सोचकर वो ट्रैक्टर को तेजी से आगे पीछे दाएं बाएं सब तेजी से चलाने लगा, फिर सीधा ले जाकर उसे तालाब में डुबो दिया। मानसिंह उस मिनी ट्रैक्टर के साथ तालाब में गिर गया। ट्रैक्टर में रखे सारी मुर्गियां तालाब में गिर गईं। जब मानसिंह की आंख खुली तो उसने देखा कि वो अस्पताल के बिस्तर में पड़ा है। मानसिंह की पत्नी सीमा, तुम अपने कंजूसी के कारण उस ऑटो ड्राइवर को बहुत सता रहे थे और अब पड़ोसी दीपू के खिलौने चुरा कर तुम पैसे बचाना चाहते थे, तुमने यूं जो पैसे बचाए हैं उसका 10 गुना तुम्हारे इलाज के लिए खर्च हुआ है। ये सुनते ही मानसिंह बेहोश हो गया। अगले दिन मानसिंह अस्पताल से छूटकर घर पहुंचा। उसने घर जाकर देखा कि दीपू अपने मिनी ट्रैक्टर के साथ खेल रहा था। अंकल जी आपको ट्रैक्टर चाहिए क्या? नहीं 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 चाहिए, कहकर घर के अंदर चला गया।